नमस्ते दोस्तों, विभास हॉबी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम पन्ना बनाने की कई विधियां हैं, आज मैं माइक्रोवेव का उपयोग करके एक और स्वादिष्ट रेसिपी पुदीना आम पन्ना साझा कर रही हूं। यह गर्मियों का एक लोकप्रिय पेय है और लू से बचने में मदद करता है। मैंने इस वीडियो के अंत में आवश्यक सामग्रियों की सूची शेयर की है, तो आइए शुरू करते हैं। एक कच्चा आम लीजिए और उसके डंठल काट कर चीरा लगा दीजिए। एक गिलास पानी डालें और इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। माइक्रोवेव में 4 से 5 मिनट कैरी नरम होने तक पकाएं। अब उबला हुआ आम को अलग कर लीजिए और पानी एक तरफ रख दीजिए। आम के गूदे को चम्मच से निकाल लीजिए और उसका छिलका और गुठली हटा दें। देखिए आम कितनी अच्छी तरह से पक गया है और गूदा कितनी आसानी से अलग हो रहा है। आप चाहे तो कैरी को कुकर में भी पका सकते हैं। एक कप आम का गूदा मापे और इसे ब्लेंडर जार में डाल दीजिए। इसमें एक कप चीनी डाल दीजिए, 3/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालें और आधा छोटा चम्मच काला नमक मिलाएं। इसमें मुट्ठी भर ताजा पुदीने की पत्तियां डालकर मुलायम पेस्ट होने तक पीस लें। इस पेस्ट को आम के पके हुए पानी में मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स करें। कॉन्सेंट्रेटेड पुदीना आम पन्ना अब तैयार है। इस पुदीना आम पन्ना मिश्रण को कुछ हफ्तों तक आप फ्रीजर में रख सकते हैं। पुदीना आम पन्ना ड्रिंक बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच कॉन्सेंट्रेटेड मिश्रण लेकर एक ब्लेंडर जार में डालें और इसमें 2 कप ठंडा पानी मिलाएं। 1 मिनट तक मिक्सी में अच्छी तरह ब्लेंड करें और फिर रस को छान लीजिए। अब रस को लंबे गिलासों में डालें और पुदीने की पत्तियों से सजाकर ठंडा ठंडा परोसें। गर्मियों में अपने मेहमानों को यह सुखदायक ठंडा ठंडा पेय परोसें और उनसे तारीफें पाएं। पुदीना आम पन्ना को बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची नोट कर लीजिए। आशा है आपको यह वीडियो और रेसिपी पसंद आएगी। अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक और नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।